सिंगरौली में पुलिस ने दिव्यांग आदिवासी युवती के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी दीनू सिंह ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि खटाई निवासी दीनू सिंह को 12 घंटे से कम समय में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दीनू सिंह का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसने दिव्यांग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या की थी। आरोपी के जान पहचान की यह लड़की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आदिवासी लड़की के बलात्कार के बाद आंख फोड़ने की घटना झूठी है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। चींटी लगने की वजह से आंख में जख्म के निशान पाए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सिंगरौली पुलिस को रीवा आईजी उमेश जोगा सम्मानित भी करेंगे। जो घटना के उपरांत जो जानकारी निकल के आई वो ये आई कि 22 वर्ष की युवती थी जो बोल नहीं पाती थी, और वो 1 जनवरी को अपने घर से निकलती है टॉयलेट करने के लिए, और इसी बीच एक पास में रहने वाला लड़का है वो उसको फॉलो करता है, और जाकर के जो स्पॉट है घटना स्थल है वहाँ पर वो बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है। और इसके बाद चूँकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भय था कि ये इसका नाम ओपन कर देगी, ऐसी स्थिति में जो दुपट्टा था उससे उसका गला जो है उसने स्ट्रैंगलेट कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।